प्रज्ञा पर लगाएगी तनु झूठा इल्जाम और अभी को जान से मारने की कोशिश में प्रज्ञा को फंसा देगी तनु, जिसमें देगा अभी तनु का साथ और हो जाएंगे रणबीर प्राची अलग। और रणबीर प्राची को अलग करने के लिए रिया लेगी आलिया का सहारा और चलेगी एक बड़ी चाल और पल्लवी के सामने फंसा देगी प्राची को और रिया रणबीर के सामने प्राची को नीचा दिखाने की करेगी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि तनु को जब पता चलेगा कि अभी हॉस्पिटल में है और उसके सर पर बहुत बड़ी चोट आई है, तब तनु इसी का फायदा उठाकर प्रज्ञा को अपनी जाल में फंसाने के लिए और प्रज्ञा से और ज्यादा पैसे मांगने के लिए तनु आलिया दोनों मिलकर प्रज्ञा के घर वकील लेकर जाएंगे, जहाँ पर तनु वकील के सामने प्रज्ञा पर झूठे इल्जाम लगाकर कहेगी कि तुमने मेरे पति को खरीद के उसे अपना बदला लेने के लिए तुमने जान से मारने की कोशिश की है। ये सुनकर प्रज्ञा को काफी बड़ा शॉक लगेगा, लेकिन जब अभी होश में आ जाएगा तब तनु ने हॉस्पिटल में जाकर पहले से ही अभी के साथ डील करके रखी होगी कि हम तुम्हारे एक्सीडेंट का फायदा उठाकर प्रज्ञा को फंसाएंगे और उसे बर्बाद करने की पहली चाल चलेंगे। इस वजह से जब प्रज्ञा तनु को कहेगी कि मैंने अभी को जान से मारने की कोशिश नहीं की है, बल्कि वो खुद नशे की हालत में थे और सीढ़ियों से गिर गए थे, तब अभी वकील के सामने बयान देते हुए कहेगा कि इसने ही मुझे जान से मारने की कोशिश की है और कहेगा कि इसने मुझे नशे में करके अपना बदला लेने के लिए सीढ़ियों से धक्का मार दिया। और ये अभी के मुंह से सुनकर प्रज्ञा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और प्रज्ञा फंस जाएगी। और यह केस को दबाने के लिए तनु प्रज्ञा से और ज्यादा पैसे मांगेगी और करोड़ों रुपए की मांग करेगी। और अगर प्रज्ञा पैसे नहीं देगी तो यह अभी प्रज्ञा के 6 महीने के शादी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए कहेगी और इसी वजह से प्रज्ञा इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन प्रज्ञा की माँ सुषमा प्रज्ञा को बचाने के लिए करोड़ों रुपए फिर से दोबारा से तनु को दे देगी एंड अभी खुश हो जाएगा। और प्रज्ञा को प्राची की वजह से जो हाल ही में एहसास हो रहा था कि 2 साल पहले एक्सीडेंट करने के पीछे तनु आलिया ने चाल चली थी जिसमें अभी का हाथ नहीं था, इसीलिए या अभी के पैसों के लिए प्रज्ञा को आगे जाके फंसाने की वजह से प्रज्ञा को ना चाहते हुए कंफर्म यकीन हो जाएगा कि 2 साल पहले अभी ने ही उसे जान से मारने की कोशिश की थी और इसी वजह से तनु के साथ मिलकर नशे की हालत में खुद अभी सीढ़ियों से गिरने के बावजूद प्रज्ञा को फंसा दिया कि उसने अभी को धक्का मारा है। लेकिन सबसे बड़े राज का खुलासा होगा कि रिया रणबीर प्राची को अलग करने के लिए एक सबसे बड़ी चाल चलेगी, जहाँ पर प्राची रणबीर को दोनों को एक साथ खुश होते हुए देख रिया रणबीर प्राची के बीच में आएगी, जिस वजह से रणबीर प्राची से दूर चला जाएगा। और प्राची अभी प्रज्ञा को एक करी है, इसी वजह से रिया प्राची को गुस्से से कहेगी कि जो कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है तो उसे एक करने का मतलब नहीं है, इसी वजह से मम्मी पापा कभी एक होने नहीं चाहिए, वो दोनों अलग है तो ही खुश है। यह रिया के मुँह से सुनकर प्राची को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्राची को एहसास होगा कि ये पहले वाली रिया है, जिस वजह से प्राची रिया को खरी खोटी सुना देगी और इसी वजह से जल्द कैसे भी करके रणबीर प्राची को अलग करने के लिए रिया आलिया के पास जाएगी, जहां पर आलिया पूरा रिया को प्लान समझाएगी और कहेगी कि पहले हम अभी प्रज्ञा को अलग करेंगे, जिसके बाद प्राची रणबीर को, और रणबीर प्राची एंड अभी प्रज्ञा की जोड़ी अलग हो गई। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, क्या हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।